हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ रियल नंबर के बोर्ड्स का क्वेश्चंस, मतलब जो एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जो सारे क्वेश्चंस आए हैं वो आज मैं कराने वाला हूँ। अब आप बोल रहे होगे सर गाला आ गई है, मार्वल आ गई है, बहुत सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है, लेकिन देखो वो सारे कंटेंट जो है वो ऐसे है जो अभी रेगुलर के है, मतलब ये साल के लिए। इन ये कंटेंट ऐसे है जो प्रीवियस इयर्स में आए हुए, तो आपको हेल्पफुल रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। वो भले आपको प्रैक्टिस करनी ही है बराबर, लेकिन हमें ये सी भी प्रैक्टिस करना है ताकि हमारा और बेसिक मजबूत हो सके और हमें पता चल सके कि भाई हमें कितना आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आपके सम की शुरुआत करते हैं। देखो इसमें बहुत ही कम चीजें थी तो मैं जितना हो सके उतना निकालने की ट्राई की है। तो मार्च 2018 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर द नंबर 337/125 इज डैश। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ढूंढना है, इसका मतलब इसका आंसर ढूंढना है। इसकी दो मेथड है, या तो आप 337 को 125 से डिवाइड करो, या तो फिर देखो मैं एक मेथड करके बताता हूं कि 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10, 5 बचेगा 5 और ये हो जाएगा आपका 25 और ये 5 5 1, तो ये आ जाएगा आपका 337/ कितना आ जाएगा 5 क्यूब। ठीक है, जैसे ये 5 क्यूब आता है आपका, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा 337/5 क्यूब इंटू कितना करना पड़ेगा 2 क्यूब। याद होगा 5 और 2 डिनोमिनेटर्स में होने चाहिए, एक लास्ट टॉपिक था हमारा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 337/8/ कितना करना पड़ेगा 5 2 क्यूब। सो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 337 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56 है ना, 5 कैरी हो जाएगा, 8 3 24, 5 प्लस करना है 29, 2 कैरी हो जाएगा, 8 3 24 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। इसका आंसर आ जाएगा 2696, मतलब 2696। 5 2 10, तो दिस वुड बी लाइक 2696/ कितना आ जाएगा 10 क्यूब, तो दैट इज 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.696, कितना आ जाएगा 2.696 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सम पर आते हैं, सेकेंड सम पे क्या दिया हुआ है। देखो सेकेंड सम में बोला है द एचसीएफ ऑफ 2420 3x+1 देन एक्स इज डैश। देखो कितना डिफरेंट टाइप का सम है, आपको एक साइड बोल रहे हैं कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ है 24 और 20 का, उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, किस तरह से 3x+1, किस तरह से लिख सकते हो 3x+1। तो अब सबसे पहले तो आपको HCF निकालना पड़ेगा, तो देखो HCF निकालने के लिए आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो 24 का फैक्टर 2 और ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और 1। सिमिलरली आपको 20 का निकालना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, तो देयर आर 2 2, फिर 2 2 कॉमन है। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर एक 2 एक और 2, 3x+1 है ना। HCF निकाल लेना सिर्फ इसका, आपको जैसे निकालना है। सो हो जाएगा 3x+1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4x-1=3x। सो ये हो जाएगा 3 = 3x और ये हो जाएगा 3/3, डेट इज x, तो x कितना आ जाएगा 1, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, मींस हमारा ये x का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट सम के अंदर क्या दिया हुआ है, द LCM ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज डैश। क्या बोला है, लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर,
साहेब लीस्ट प्राइम नंबर इतले कयू? तो भाई लीस्ट प्राइम नंबर इतले लीस्ट प्राइम नंबर माने 2, और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर मतलब सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4। ये दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, समझ रहे हो? ये दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो भाई फटाफट गाड़ी भगाते हैं अपनी। तो 2 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। मींस ये दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2। मींस इसका आंसर, सॉरी, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4। सॉरी यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4। गलती हो जाती, थोड़ा ध्यान से बच्चा लोग। तो एलसीएम आ गया 4, समझ गए? लीस्ट प्राइम मतलब छोटे से छोटा प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर का एलसीएम निकालो। तो छोटे से छोटा प्राइम ट्रू था और कॉम्पोजिट नंबर 4 से चालू होते, इसलिए छोटे से छोटा कॉम्पोजिट 4 कितना था? 4। वो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 4। चलिए नेक्स्ट पर चलते। इफ एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी 16 देन एलसीएम इज नॉट पॉसिबल। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है? ए बी भी नहीं दिया है और 16 दिया हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए काफी आसान है, कुछ नहीं करना है। इसकी ट्रिक बताने वाला हूं। देखो आपको दिया हुआ है कि आपको चेक करके बताओ, तो आपके पास कितने नंबर्स हैं? फटाफट देख लेते हैं। 72, 64। तो आपको सिर्फ ये करना है, 72 को 16 से डिवाइड करके देखना है, 64 को 16 से डिवाइड करके देखना है, फिर 32 को 16 से डिवाइड करके देखना है, और लास्ट 96 को 16 से डिवाइड करके देखना है। अगर इसमें से जो नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो देखो ये शायद 16 वनजा और ये हो जाएगा 16 फोरजा, बिकॉज 4 सिक्सा 24 टू कैरी। ये हो जाएगा 16 वनजा, ये हो जाएगा 16 टूजा, ये हो जाएगा 16 वनजा, ये हो जाएगा 16 सिक्सा। लेकिन 72 डिवाइड नहीं हो रहा है, बिकॉज याद रखो कि एचसीएफ अगर है तो एलसीएम को डिवाइड करता ही होगा, वो एलसीएम को डिवाइड करता ही होगा। लेकिन लेकिन अभी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कौन सा नंबर वो पॉसिबल नहीं है? तो 72 इज नॉट पॉसिबल। जो नंबर डिवाइड नहीं करेगा वो नंबर पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ में? ध्यान से क्वेश्चन देखना कि कौन सा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो 72 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2 raise to m, 5 raise to n ends with। साहब आओ तो कोई वाचल उदनी है ना, आओ तो कोई वाचल उदनी अल्लाह आओ छे ने आपने वाचल उपलो छल्लु थेरम। तो ends with का मतलब होता है कि ऐसे दिखने वाले नंबर का एंडिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो यहाँ है, ऐसे दिखने वाले का नंबर का एंडिंग पॉइंट होता है 0। देखो ये रहा 5 raise to 2 raise to 3। तो ऐसे दिखने वाले नंबर का एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 0। मींस इसको सॉल्व करने पर इसके आंसर में जो एंड होता है, लास्ट नंबर क्या होता है? वो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टू गेट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रेशियो PQ द m एंड n मस्ट बिलोंग टू। समझ लो भाई, समझ लो। ये जो है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन लाना है, तो ये जो m और n है, m और n है, वो कैसे होने चाहिए? किस टाइप के नंबर होने चाहिए? रैशनल नंबर, देन m एंड n बिलोंग्स टू विच टाइप? नेचुरल नंबर। समझ रहे हो कितना घुमाया है, कितना घुमा रहे? नेचुरल नंबर। देखो कितना ट्विस्ट एंड टर्न है। मेरा काम है आपको ट्विस्ट एंड टर्न के साथ वाकिफ करा देना, आपको बता देना कि एग्जाम में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मार्च 2017 द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/32 इज डैश। तो 1/32 कहने का मतलब है 1 और 32। इसको डिवाइड करने बैठोगे साहब आटो बहुत टाइम जाते रहे, तो उसके लिए देखो ये वाली ट्रिक यूज करना। पहले सम में किए ना, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 2 1। सो 1 2 3 4 5,
तो ये हो जाएगा 2 raised to 5। सो यहाँ पर भी 5 raised to 5 लेना पड़ेगा और यहाँ 5 raised to 5 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला चलो आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दिखोगे, लिखोगे ना भाई कमेंट में, जरूर लिखना इसका आंसर क्या आता है सॉल्व करके, पूरा आंसर इसका डेसिमल एक्सपांशन मेरे को बताना इसका आंसर क्या आता है। मुझे पता है आप लोग जरूर कमेंट करोगे यार, कमेंट करोगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है कमेंट जरूर करना। चलिए आगे चलते हैं। इफ ए बी सी आर द डिस्टिंक्ट प्राइम इंटीजर्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम। ट्विस्ट एंड टर्न, देखो ए बी एंड सी आर द प्राइम नंबर्स, बच्चा प्राइम, प्राइम नंबर मतलब इसका एच सी एफ हमेशा कितना आता है, इसका एच सी एफ हमेशा 1 आता है और इसका एल सी एम कितना आता है, तो जो नंबर दिया हो सबका मल्टीप्लाई करना होता है, तो ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई। अब उसका रेशियो, तो उसका रेशियो आएगा 1:ABC। वापस बताता हूं, हमें बोला है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का एलसीएम एचसीएफ हमेशा 1 होता है बिकॉज उसमें कुछ कॉमन नहीं होता है, तो और उसका एलसीएम हमें जो भी प्राइम नंबर दिया उसका तीनों का मल्टीप्लाई करना होता है, तो मेरे पास एबीसी थे तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा एबीसी आएगा। उसका रेशियो, उसका रेशियो 1:ABC ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द एच सी एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 देन एच सी एफ सी एफ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज 1 or 2। साहब आटो बग्गा मरेगा, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखो। यस मैं डायरेक्ट आंसर लिखो, हम जाऊंगे ना केवी रीते लिखो। मैं देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, देखो एच सी एफ है एक्स कॉमा वाई का, उसका आंसर 1 है, कहने का मतलब यहां पर कोई भी नंबर होगा वो प्राइम होगा बिकॉज प्राइम नंबर का एच सी एफ ही 1 आता है। मान लो मैंने प्राइम नंबर लिया 5 और दूसरा नंबर लिया 3, उसका एच सी एफ आया 1, वही नंबर मैंने यहाँ रखा 5 minus 3 5 plus 5 plus 3, तो इसका कितना आएगा, इसका आ सकता है 5 minus 3 कितना आ सकता है भाई, 5 minus 3 आ सकता है 5 minus 3 इसका आ सकता है 2 और इसका आ सकता है 8। अब इसका एच सी एफ निकालो तो क्या आ सकता है, इसका एच सी एफ 2 आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग से इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे सर मैं 7-8 लेता तो भी तो 1 आता, ठीक है भाई 7-8 लेता तो 1 नहीं आता, हाँ 1 आता, तो यहां रख के देखो 7, -8 8 - 7 रखना पड़ेगा, उल्टा रखना पड़ेगा 8 - 7, आप 8 को पहले लेना बड़ी वैल्यू है और 8 + 7 है ना, तो 8 - 7 कितना हो सकता है 8 - 7 1 और 8 + 7 कितना हो सकता है 15, तो इसका एच सी एफ 1 भी आ सकता है। इसका एच सी एफ मतलब आप अगर इवन ऑड लेते हो, समझ रहे हो, यहां पर देखो ऑड इवन लिया है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, अगर आप ऑड ऑड ले रहे हो तो उसका आंसर 2 आ सकता है, मतलब पेयरिंग आपको सेट करनी है लेकिन 1 और 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। 1 और 2 के आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, आपको 16-15 लेना है तो भी ले लो, 1 और के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आ सकेगा, तो या तो 1 आएगा या तो इसका आंसर 2 आएगा। डोंट वरी इसका ऑप्शन ऑलरेडी दिया होगा, यहाँ तो मैंने इसका ऑप्शन हटा दिया है इसलिए कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक्स और वाई प्राइम थे, वापस एक बार समझा रहा हूँ, एक्स और वाई प्राइम थे, प्राइम होने की वजह से उसका आंसर 1 आ रहा था बराबर, क्योंकि प्राइम नंबर के आंसर ही 1 आता है, या तो कोई ऐसा नंबर होगा कि जैसे प्राइम नहीं समझ लो 7-8 जैसा, मतलब प्राइम कंपोजिट दो नंबर ऐसे थे, मतलब प्राइम भी था कंपोजिट भी था, मतलब ऑड इवन का पैर, तो इसका आंसर क्या आता है 1 और 2 आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2517 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, कितनी डिजिट के बाद उसका टर्मिनेशन होगा, इसको ध्यान से देखना। देखो यहां पर आएगा 6250, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, सो 3125, ठीक है 3125, फिर यहां पर ये आ जाएगा आपका 5 6 और ये आ जाएगा आपका 5 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 5 6 1 2 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट 25 लेता हूँ बच्चा, मेरे को पता है इसलिए मैं 25 का ये होता है 25 1। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2517, ठीक है 2517 अपॉन 2 into 25 25, मतलब 5 raised to 4 5 raised to 5 5 raised to 5
5:5. After how many digit it will terminate? कितनी digit के बाद इसका termination होने वाला है? ध्यान से समझना इसको. अब मुझे यहाँ पर 2:4 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2:4 करना पड़ेगा. तो इसका आंसर आएगा कितना? इसका आंसर आएगा 2:5, 2:17, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 अपॉन 5:5 इंटू 2:5, बिकॉज ये प्लस हो जाएगा. तो इसका आंसर आएगा 5. क्यों 5 आएगा? बिकॉज वो लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट. आफ्टर मतलब डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेट होने के बाद कितने डिजिट रह गए. तो देयर विल बी 5 डिजिट्स, बिकॉज जितनी डिग्री है उतना हम पीछे लेके जाएंगे. तो देयर विल बी हाउ मेनी डिजिट्स, देयर विल बी 5 डिजिट्स, 5 डिजिट रहेंगे जब हम उसका टर्मिनेशन लगाएंगे. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और भाई अपने GSEB के फ्रेंड्स को जरूर बता देना. बाय बाय.